हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल हाउ टू सिंप्लीफाई एजुकेशन। इस चैनल पर आपको मिलेंगे PSTET और CTET के लिए इम्पॉर्टेंट और स्मार्ट नोट्स। इस चैनल पर हम आपको CDP, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के पिछले सालों के सभी रिपीटेड क्वेश्चंस करवाएंगे। इसके अलावा चैनल पर EVS, मैथ, साइंस, सोशल साइंस के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस चैनल पर हम आपको वही क्वेश्चंस करवाएंगे जो पिछले सालों में सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं और जिन क्वेश्चंस के पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, और घिसे पिटे क्वेश्चंस से आप बच सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपके लिए पिछले सालों में रिपीट हुए 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको हमारी वीडियो से ही मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, विलियम वुंट एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ। 4 ऑप्शन है जी, और जो राइट ऑप्शन है वह है लेपजिंग। विलियम वुंट को फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ साइकोलॉजी, और ये जर्मनी से बिलोंग करते थे। और विलियम वुंट ने जो लेपजिंग में लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की थी वह वर्ल्ड की फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स वाज नॉट स्ट्रेस्ड बाय गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी द्वारा किन पर जोर नहीं दिया गया था? जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी थी, इसकी शुरुआत बर्लिन स्कूल ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की शुरुआत बर्लिन स्कूल ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में हुई थी, और इसके जो फेमस प्रपाउंडर थे वो थे कोलर, कोफका एंड वर्दमीर। इन तीनों के द्वारा ही गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को फेमस किया गया। और जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है वह किस एस्पेक्ट पर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ने स्ट्रेस नहीं दिया था, नॉट का पूछा गया है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी द्वारा होल और पार्ट्स पर भी जोर दिया गया, कन्फर्मेशन पर भी जोर दिया गया, फील्ड ऑफ ऑपरेशन क्रियाओं पर भी जोर दिया गया, बट जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी थी उसके द्वारा कॉन्शियस एक्सपीरियंस पर जोर नहीं दिया गया। इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 4। और यदि आप गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में डिटेल से स्टडी करना चाहते हैं तो आप कोने पर आई बटन पर क्लिक कर एक स्पेशल वीडियो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मेटिव वैल्यूएशन डिड नॉट रिप्रेजेंट वेल थ्रो। तो फॉर्मेटिव वैल्यूएशन में क्या नहीं आता, नॉट पूछा गया है। फॉर्मेटिव वैल्यूएशन में असाइनमेंट भी आते हैं, डिस्कशन भी आते हैं, ग्रुप वर्क भी आता है। फॉर्मेटिव वैल्यूएशन में एनुअल टेस्ट नहीं आते हैं। जो एनुअल टेस्ट है वह सुमेटिव असेसमेंट में आते हैं। और जो सुमेटिव असेसमेंट है इसमें सिर्फ एनुअल टेस्ट ही आते हैं, इसको छोड़कर जो भी बाकी बचता है वह सभी फॉर्मेटिव वैल्यूएशन में आते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट में सभी चीज आ जाती हैं, जैसे डेली टेस्ट, मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट, ग्रुप वर्क, असाइनमेंट, डिस्कशन। जो डेली बेसिस पर वर्क होते हैं वह सभी फॉर्मेटिव वैल्यूएशन में आते हैं। जहाँ पर पूछा गया था कि फॉर्मेटिव वैल्यूएशन में क्या नहीं आता, तो एनुअल टेस्ट इसमें नहीं आते। नेक्स्ट, सिमेंटिक्स इज स्टडी ऑफ। सिमेंटिक किसकी स्टडी है? 4 ऑप्शन ने, और जो राइट ऑप्शन है वह है वोकैबुलरी। और जो सिमेंटिक है या स्टडी ऑफ मीनिंग है। कई बार ऑप्शंस में स्टडी ऑफ मीनिंग आ जाता है, अगर ऑप्शन में मीनिंग आ जाए तो मीनिंग करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विच वन इज लर्नर सेंटर्ड मैथड। और इनमें से लर्नर सेंटर्ड मैथड आपको बताना है। यह क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, आप हमें कमेंट कर बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा है। आप भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करें, अगर हो सके तो इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देना। आपको अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करने के लिए यह हमारा नया चैनल है, आप इसे सपोर्ट कीजिए। हम इसी तरह आपके लिए वैल्यूएबल क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू जी।